ऑल कैन सी दिस ब्रिज, द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज निराई कनाई ब्रिज. दिस 1.2 किलोमीटर्स लॉन्ग ब्रिज कनेक्ट्स टू क्लिफ्स विद अ 80 मीटर्स डिफरेंस इन हाइट. दिस ब्रिज हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर विद अ लार्ज कर्व. यू विल फील लाइक यू आर ड्राइविंग टूवर्ड्स द स्काई. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओहायो गोजाइमास. और आज हम आए हैं ओकिनावा के साउदर्न पार्ट में और यहाँ पर हम देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन को और बहुत ही सुंदर नज़ारा है. और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है इधर ओशियन के साइड में. ये जहाँ हम जिस लोकेशन में अभी हैं, चिनिन के पार्क, ये बहुत ही क्वाइट प्लेस है, लोकेटेड ऑन अ हिल, परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग. सुंदर नजारा है मेरे बैक साइड में. विजिटर्स कैन ओवरलुक द सी ऑफ द एमरल्ड ग्रीन. And it is also a famous spot for watching the morning sunrise. I was showing you the sea scene from the top there. Visitors who do so can feel blessed while watching the sunrise from the Pacific Ocean. Actually, when exploring the southern part of the main island, this is an area that visitors will not want to miss. I am really enjoying and hope you all too are enjoying this video. Okinawa, Cape Chinen. चलिए आपको उस साइड का व्यू दिखाते हैं. इतनी शांत और जगह हो तो मन खुल जाता है. और कुछ आप लोग के प्रोत्साहन से एक एनर्जी मिलती है कि कुछ करना है अपने दोस्तों के लिए, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए, ताकि आप जहाँ कहीं भी हैं इस पल को हमारे साथ एंजॉय करें और खुश रहें. देखिए, पूरा समुद्र ही समुद्र है. इट इज वेरी ब्यूटीफुल.
And now we have arrived in the second place. First time beach with shallow water that stretches about 2 kilometers along the Pacific coast of southern Okinawa. Actually, मेरे को नजर नहीं हट रही है आस पास के इस नजारे से. ये खलखल करता पानी समुद्र का, ये नीला नीला पानी और हवा का रुख भी काफी तेज है. सो वी आर इन निबारू बीच इन ओकिनावा और बहुत ही मजा आ रहा है. ट्रिप की तो अभी शुरुआत है. जो आज के दिन के प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ किन किन प्लेसेस में जाना है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपसे भी रूबरू कराते रहेंगे कि हम कहाँ किस फेज में हैं और कहाँ की क्या खूबसूरती और क्या खासियत है. और अभी हम ग्लास बोट में बैठेंगे और फिर समुद्र के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के समुद्र के बीच में जाके वहां से भी कैसा नजारा आता है, क्योंकि अब तो समुद्र ही समुद्र है. फ्रेंड्स, मिबारू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बीचेस ऑन द आइलैंड ऑफ ओकिनावा इटसेल्फ. And now we have sat in the glass boat and show you the specialty of the glass boat. Glass bottom boats are a great way to look into the underwater world without getting wet. और ये देखिए वो नजारा जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी. और यहाँ पर आप इस ग्लास बोट के ग्लास से समुद्र के निचले तल की चीज़ों को देख पाएंगे, जैसे कि कैल्प और सी ग्रासेस वगैरह, जो भी कुछ समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु, जो भी मतलब जितना अवेलेबल हो पाएगा वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी.
I feel that you all are enjoying watching all this with us. And I am enjoying it very much. And the glass boat experience is completely new to me. I loved it and this place is very beautiful. And to see more videos like this, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon and stay tuned to see the next video.